में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज रेवाड़ी अनाज मंडी का निरीक्षण कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल की बिक्री के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी में फसल खरीद का कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है और किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है। आढ़ती व मजदूरों द्वारा किसानों की फसल खरीद का कार्य अच्छे ढंग से किया जा रहा है तथा मंडी में उठान कार्य में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को पूर्ण रूप से मजबूत किया गया है तथा दक्षिणी हरियाणा में सरसों की पैदावार ज्यादा होती है और इस बार एमएसपी से अधिक मूल्य पर सरसों बिक रही है, यह बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि सरसों का एमएसपी 4650 रुपए है जबकि रेवाड़ी में सरसों 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। इससे किसान बहुत ही खुश हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार 10 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है जिसमें बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, गेहूं, धान व सरसों शामिल है जिसकी पेमेंट सीधे किसान के खाते में जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों और किसान नेता कुर्सी की लालच में किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं मंडियों का निरीक्षण कर रहा हूँ, फरुखनगर, पटौदी, रेवाड़ी और फिर उसके बाद महेंद्रगढ़, नारनौल, उधर होते हुए भिवानी की मंडियाँ मैं देखूँगा। और किसी भी तरह की समस्या किसी आढ़ती भाई को है, किसी किसान भाई को है, मजदूर को है, उसका समाधान निकालेंगे। अच्छी परचेज चल रही है, पहले से ज़्यादा संतुष्ट हैं हमारे आढ़ती भाई भी और किसान को पेमेंट जल्दी देंगे, उठान जल्दी कराएंगे, धीरे धीरे करके व्यवस्था को हम मजबूत कर रहे हैं। और कुछ जो कांग्रेस पार्टी के नेता या किसान नेता जो दुष्प्रचार करते थे कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, किसान की धरती चली जाएगी, आप धरातल पे देखिए, पहले से अच्छी मंडियां चल रही हैं, पहले से अच्छे भाव चल रहे हैं और किसी किसान की एक बीघा ज़मीन कहीं गई तो हो तो हमें बताएं। और इस बार तो खुशी की बात यह है कि सरसों का भाव, मेरा इलाका ये दक्षिण हरियाणा का सरसों पैदा ज़्यादा करता है, 4650 रुपये का एमएसपी था, आज सरसों 5500 से यहाँ तो बता रहे हैं 5800 रुपये बिक्री है। बहुत खुशी होती है किसान को ये भाव मिले। और हमारा लक्ष्य जो है यही है कि किसी भी जिन्स का एमएसपी से नीचे भाव ना आए। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है, बाजरा हमने खरीदा, सूरजमुखी हमने खरीदी, मूंगफली हमने खरीदी, गेहूं और धान तो खरीदते ही करते हैं, 10 फसलें हम खरीदते हैं, पेमेंट सीधी किसान को खाते में देते हैं। और किसान ही तैसी फैसले करने में, चाहे दक्षिण हरियाणा में पानी देने का हो, फुहारा सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी देने का हो, सीधी पेमेंट देने का हो, मंडियां अच्छी चलाने का हो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जिस भाई ने भी अप्लाई किया, हमने 250-300 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसमें दी है। मोदी जी ने भी थोड़ा थोड़ा करके 6-6, 8-8 हज़ार रुपये किसान के खाते में दी है। सारा ध्यान इसलिए है कि किसान खुश होगा तो मंडी भी आबाद रहेगी। किसान और मंडी का, अगर किसान को ही अच्छा भाव नहीं मिलेगा, मंडी वाले भी कहाँ से कमाएंगे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे आढ़ती भाई, हमारे किसान भाई, मंडियों में काम करने वाले मजदूर भाई मिलजुल करके अच्छी प्रोक्योरमेंट करें और हरियाणा सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाएं। मंत्री, पिछली बार हमने देखा कि यहाँ पर उठान में काफ़ी दिक्कत आई थी, इस बार ऐसी कोई दिक्कत ना आए, किस प्रकार की व्यवस्था? इस बार हमने पोर्टल के अंदर डाल दिया है, पहले ठेकेदार होते थे जिले वाइज और वो ठेकेदार ट्रक ना मिलने का बहाना करते थे या कुछ जानबूझ के व्यवस्था फैलाते थे। इस बार पोर्टल में छूट दे दी है कि अपना कोई आढ़ती भाई उठाना चाहता है, बाकायदा टाइम दो और हम उसको मॉनिटर करते हैं कि कितने घंटे में उसका माल उठा है। और इस तरह से करते करते हमारी कोशिश ये होगी कि जब भी व्यापारी भाई कहे तो उसका माल भी 10-12 घंटे में उठ जाए। मंत्री जी, कोरोना काल चल रहा है दूसरी लहर में और ये काफ़ी खतरनाक भी बताया जा रहा है, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में आज भी किसान जो धरने पर बैठे हैं वो हट कर्मिता पर अड़े हुए हैं कि वो नहीं उठेंगे, चाहे वो पूरा लॉकडाउन क्यों ना लगा दिया, समस्त देश में क्यों ना लगा दिया। देखिए, सब राजनीतिक पार्टियों ने, किसान नेताओं ने एक नैरेटिव स्थापित किया कि काले कानून आ गए हैं,
हमें तो पता है, किसी भाई को पता नहीं कि कानून में काला क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया था मंडी खत्म होने का, MSP खत्म होने का या धरती चली जाने का। मंडियां पहले से अच्छी चल रही हैं, MSP पहले से ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, धरती किसी की गई नहीं। और मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, जो किसान नेतृत्व है या अलग पार्टियों के नेता हैं, कि मिल बैठ करके, कोरोना का संकट है, कोरोना का टाइम है, फैसला करें। और किसी भी तरह की जो किसान हितैषी फैसले लेने होंगे, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा सरकार मिल बैठ करके हर चीज़ का समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। और हमारी, मेरा विभाग है कृषि और किसान कल्याण है, तो किसान कल्याण का कोई भी फैसला करना होगा उससे हम पीछे नहीं हटे। लेकिन मंत्री जी, ये जो किसानों की हटकर मेहता है कोरोना काल के अंदर धरने प्रदर्शन करने की, धरने पर बैठने की, कितनी जायज़ है, कितना जायज़ है? मुझे लगता है कि इसमें किसानों के हटकर्मिता नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। कांग्रेस जो है पहले प्रचार किया कि नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, सरकार को तोड़ देंगे, अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। और हमारा देश का मतदाता, हमारा देश का नागरिक बहुत जागरूक है, इस तरह के ढकौसलेबाजों के कहने में कोई आना नहीं है और कोई औचित्य भी नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। अच्छा काम चल रहा है, किसान खेतों में अपनी फसल निकाल रहे हैं, व्यापारी भाई अपने किसान की सहायता कर रहे हैं, फसलें खरीद रहे हैं, किसान खुश है, 90-99% किसान तो खेतों में है। और जो किसान के कंधे पे बंदूक रख के सत्ता की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, सत्ता चाहिए उनको, किसान हित नहीं चाहिए, ऐसे लोग ही ज़्यादातर आंदोलन। हमारा आखिरी सवाल कि बंगाल चुनाव को किस दृष्टि से देखते? देखिए, जो लोगों से सुनने में आ रहा है कि बंगाल के लोग भी भाजपा सरकार की नीतियों का, जो दूसरे प्रदेशों में फायदा हुआ है, वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बंगाल का किसान भी चाहता है कि उसको मोदी जी के द्वारा भेजा गया पैसा, जो मोदी जी ने वायदा किया है कि पीछे तक का दूंगा, वो लेना चाहते हैं। और विकास की जो गंगा बह रही है देश में, उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बंगाल में, आसाम में बनने जा रही है, आसाम में तो पहले भी हमारी सरकार है। और लोकतंत्र की खूबी यही है कि अपनी मर्जी की सरकार लोग बनाते हैं। और कुछ लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जैसे कि हमारे नेता हैं कांग्रेस के या कम्युनिस्ट के, जो चुनी हुई सरकार साल सवा साल पहले लोगों ने जिनको आशीर्वाद दिया था, उस प्रक्रिया में भरोसा ना करके सड़क पे बैठ के फैसला करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।